अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जनाब चलिए आज बना लेते हैं रस मलाई, जिसके लिए ये हाफ के जी दूध है, इसको ले लिए, एक बड़ा चम्मच शक्कर, क्योंकि मैं रसगुल्ले बना नहीं रही हूँ घर पे, झटपट से बना लेंगे इसको। अच्छी तरह चीनी को पका लेंगे, ये फूड कलर, चलिए दूध अच्छी तरह पक गया है, चीनी भी पूरा अच्छे से इसमें मिल गई। अब डाल लेते हैं इलायची पाउडर, ये भी हो गया। अब डालेंगे ये रसगुल्ले, अगर आपके पास शीरे वाले रसगुल्ले हैं जो कंटेनर में मिलते हैं तो उसका अच्छे से रस निचोड़ लीजिए। इसमें भी रस बहुत ज़्यादा है, इसका भी रस मैं थोड़ा निकाल दी हूँ। चलिए अब थोड़ा सा पका लेंगे इसको। अब डालेंगे केसर, पानी में भिगो के रख दी थी, तो अच्छी तरह पक गया है। थोड़ा सा पिस्ता, चलिए पका लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अगर घर में रसगुल्ले बनाती और रसमलाई बनाती उससे तो काफ़ी देर हो जाती, अचानक से तबीयत हुई रसमलाई खाने की, तो रसगुल्ले थे मेरे पास तो मिली, चलो इसी से बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी झटपट सी होममेड रसमलाई। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और खा के बताइएगा कैसी लगी ये मेरी झटपट सी रसमलाई। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बगल में बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली मेरी हर एक नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और मुस्कुराते रहिए।